हूँ माय डियर फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आवर न्यू चैनल टेल इंस्टीट्यूट बाय मार्कन कंप्यूटर। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर एम एस सिद्दीकी एंड आई एम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट एट मार्कन कंप्यूटर। ओके गाइज, आज जो हम करने जा रहे हैं सिंपल सिंपल एंड शॉर्ट शॉर्ट, प्रॉब्लम क्या है आजकल हमें IDM जो कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है उसको जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो हमें 30 दिन का ट्रायल पीरियड देता है, यानी कि इट मीन्स यू हैव ओनली जस्ट 30 डेज। ठीक है, 30 डेज बाद ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपका एक्सपायर हो जाता है, इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हो रजिस्ट्रेशन इस पर आ रहा है, इसका मतलब है ये अनरजिस्टर्ड है। तो गाइस, तो हमें क्या करना है, इसके लिए आपको लाइसेंस की लेना पड़ेगा जो काफ़ी कॉस्टली होता है, उसको परचेज करना पड़ेगा। बट हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए हम इसको क्रैक कर सकते हैं, इसको लाइफ टाइम के लिए फ्री कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव रिक्वायर्ड अ फाइल लाइक IDM 6.30 जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और इसका आप लेटेस्ट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। ये दोबारा से जिस तरह से अक्सर ऐसा होता है कि जब हम इसको क्रैक करते हैं तो ये जो है ना आपका दोबारा से जो है अनरजिस्टर्ड हो जाता है। तो आप इसके अंदर कोई भी आप जो भी IDM इंस्टॉल करना चाह रहे हो करो, ठीक है। बट एक बार ध्यान में रखना कि जो आप दूसरे क्रैक वर्जन इस्तेमाल करते हो, जैसे मैंने भी किया है, तो वो रजिस्टर्ड तो हो जाता है बट वो आपके पास जो है जो आपका गूगल है उसके ऊपर वर्क नहीं करता। तो मैं आपको ये तमाम चीज़ें करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस फाइल की जरूरत पड़ेगी। अभी मैंने आपके सामने दिखाया कि मेरा जो IDM है वो रजिस्टर्ड नहीं, ठीक है। तो रजिस्टर्ड नहीं है तो हम उसको भी सामने रख लेते हैं IDM को, ताकि आपको पता चले साथ साथ आप मेरे साथ साथ करते रहो। जब आप ये फाइल डाउनलोड कर लो तो आपको आइडिया हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मौजूद है, ये इस वक्त रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ गाइस। अब यहाँ पर जो मैंने आपको फाइल दी है, जो आपके लिंक जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो मिल जाएगा आपको, उधर से आप लोग डाउनलोड कर लेना। उसके बाद क्या करेंगे, क्रैक वर्जन जो है इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही करूँगा तो एक विंडो आपके पास ओपन होगा, और विंडो ओपन होने के बाद क्या होगा कि आपके पास एक ऑप्शन आएगा। उस ऑप्शन के ज़रिए जो है आपको जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट है तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हो। इससे ये हुआ कि अगर इसका कोई अपडेट वर्जन आपके पास नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली उसको अपडेट करेगा। नाउ यू कैन सेलेक्ट क्रैक IDM एंड वेट फॉर अ सेकेंड। जैसे आप वेट करोगे आपके पास ये ऑप्शन आएगा, बिकॉज सिक्योरिटी थ्रेट ये आपको देता है, तो आप उसको पोस्टपोन कर लो। IDM जो है पैच होने के बाद यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो अब आप देखें चेक अगेन कि आपके पास वो IDM रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं। सो यू कैन सी डज इट वर्क और नॉट, नॉट ओपनिंग। नाउ यू कैन सी दैट कि मैंने इसको ओपन कर लिया है और रजिस्ट्रेशन में जा रहा हूँ तो यहाँ पर ये टाइप हो गया। इसका मतलब ये है कि आपका सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड हो गया है। अब आपके पास जो ट्रायल पीरियड का मैसेज आता है कि 3 days left, 2 days left, वो अब नहीं आएगा। नाउ चेक ऑन योर गूगल कि क्या ये वर्क करता है कि नहीं करता। तो गाइस देख लीजिए, जैसे मैं गूगल को ओपन करूँगा तो मेरे पास किसी भी, जैसे खास तौर से जो सबसे ज़्यादा इशू आता है वहाँ पर यूट्यूब पे आता है। यूट्यूब के ऊपर ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि सिर्फ इसको रजिस्टर करना ही ज़रूरी नहीं है, इसके साथ साथ दूसरे प्रॉब्लम जो हमारे साथ होते हैं। क्योंकि जब आप कोई क्रैक वर्जन इस्तेमाल करते हो गाइस, तो उससे ये होता है कि वो रजिस्टर्ड तो हो जाता है बट वो आपके पास काम नहीं करता। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास ये ऑप्शन जो है मौजूद है IDM का। इसको कैसे आपने अपने पास लेना है, सिंपल है कि आप जाओगे यहाँ पर और आप यहाँ लिखोगे IDM। अब हम यहाँ पर इसको चेक करने के लिए, क्योंकि सिर्फ IDM को रजिस्टर करना ही ज़रूरी नहीं है, इसका एक्सटेंशन अगर आपके ब्राउज़र पे नहीं होगा तो ये आपकी किसी भी वीडियो को या कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, IDM के एक्सटेंशन पर लिखेंगे IDM एक्सटेंशन, एंटर करेंगे। ये आप सेटिंग में जाके भी कर सकते हो बट मैं आपको ईजी वे बता रहा हूँ जिसके ज़रिए आपको आसानी रहेगी। नाउ यू कैन क्लिक ऑन IDM इंटीग्रेशन मॉड्यूल गूगल को, ठीक है। जैसी आप जो भी कोई भी आप जो कि ज़्यादातर लोग ब्राउज़र जो है वो क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, डेट्स व्हाई मैंने भी इसी पर बताया है। अगर आप कोई और दूसरा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो सेम आपने काम करना है, बस आपका ब्राउज़र चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस IDM का इंटीग्रेशन मॉड्यूल आपके सामने भी आने वाला है,
अभी मैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास ये जो है ऑलरेडी ऐड है एक्सटेंशन का, यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया है। तो हम वेब स्टोर पे हम पहुँच चुके हैं। इस तरह के बहुत सारे आपको यहाँ पर देखें, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे जिसके आपको रिमूव करना चाहें रिमूव करें, ऐड करना चाहें ऐड करें। ये देखें पूरा बता रहा है आपको कि जब आप इसको ऐड करोगे तो आई डी एम आपके पास किस तरह से जो ऑप्शन। अच्छा, रिमूव इसलिए आ रहा है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ऐड इन माई एक्सटेंशन इन माई ब्राउजर। सो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपके पास ऐड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी, जब उसको हम चेक करते हैं गाइस कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। नाउ कैन आई कैन यूज द प्रीवियस स्टेप। यूट्यूब पे हम ज़्यादातर इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर विंडोज़ का इशू हमारे पास, जो वीडियो हम डाउनलोड करते हैं तो ज़्यादातर हम यूट्यूब वहाँ पर प्लेटफॉर्म है वीडियो का, तो ज़्यादातर वीडियोज़ जो है वहीं से डाउनलोड की जाती हैं। या कोई भी आप एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर की जगह आप साइट पर जाएंगे ऑटोमेटिकली आई डी एम जो है उसको डाउनलोडिंग के ऑप्शन पर दे देगा। सो लेट सी, नेट बहुत स्लो चल रहा है, सॉरी गाइस के थोड़ा सा मे बी लेट जो है वो ये डाउनलोडिंग ऑप्शन देगा, बट ऑफकोर्स है। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास छोटी सी कोई भी वीडियो आप ओपन कर लो, इस पर जो भी आपके पास वीडियो हैं। तो मैं यहाँ पर छोटी सी वीडियो, चलो ये मोटू पतलू है, ओपन करते हैं। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको जल्दी पॉज कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है मेरे पास। अब जो भी क्वालिटी आपको चाहिए, जिस तरह की भी क्वालिटी चाहिए गाइस, आप यहाँ पे क्लिक करो, MP4 लेना है जो भी लेना है। नाउ आपके सामने इसका साइज भी आ गया है, स्टार्ट डाउनलोडिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और अगर वाकई में आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो नोटिफिकेशन के लिए, और कमेंट करो अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, और लाइक करो अगर आपको पसंद आई है। तो अभी अलविदा लेने का टाइम आ गया गाइस, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ जो कि बड़ी इंफॉर्मेटिव और मतलब लर्निंग होगी इसके अंदर काफ़ी। और दुआ में याद रखिएगा, खासकर मेरे वालदैन को, अल्लाह पाक हम सबको अपनी रहमत में जो है वो उसके साए में हमेशा रखे, अल्लाह पाक हमें हमेशा से जो अल्लाह पाक हम सब के ऊपर अपनी रहमत बरसाए, और इंशाल्लाह हम अपने जवाब में रखें। अल्लाह ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल गाइस, अल्लाह हाफिज़।